हेलो एवरीवन, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, टाटा आईपीएल 25 के मेगा ऑक्शन से कई बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। डेट हो या फिर वेन्यू हो या फिर सभी टीमों का पर्स मनी को लेकर कई अपडेट है, तो इसी के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें टाटा आईपीएल 25 के मेगा ऑक्शन से, जो सबसे बड़ा अपडेट है वह है रजिस्ट्रेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन खिलाड़ियों पर बोली लगनी है मेगा ऑक्शन में, उनसे पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है और सबमिट करना होता है, वह उसका अपडेट समाप्त हो चुका है। और उसी से एक और बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, जो खबरें निकल के आ रही है, बेन स्टोक फिर से नजर नहीं आने वाले हैं आईपीएल 2025 में। उन्होंने यह फॉर्म नहीं भरा है, यानी कि वह आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अपना नाम नहीं दिए, यह जो सबसे बड़ा अपडेट है। क्योंकि बीसीसीआई ने अब एक नया रूल बनाया है। रूल के हिसाब से अगर आप 2025 के मेगा ऑक्शन में नाम नहीं देते हैं तो फिर आप 26 और 2027 के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि बेन स्टोक 2027 तक अब नहीं दिखने वाले हैं। यह बात कंफर्म हो चुकी है। अगर बीसीसीआई बीच में रूल चेंज कर दे तो अलग बात है, लेकिन अभी जो करंट के रूल है इसके हिसाब से तो यही होने वाला है। इसके अलावा बात करें, अब मेगा ऑक्शन से भी बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। बताते, जहां पहले खबर निकल के आ रहा था कि 24 और 25 नवंबर को हो सकता है टाटा आईपीएल 25 के मेगा ऑक्शन, लेकिन अब जो बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, आईपीएल की टीम अभी रेडी नहीं है। उनको बहुत कुछ तैयारियां करने होता है, मॉक ऑक्शन करना होता है। इस वजह से जो खबरें निकल के आ रही है, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की है सभी आईपीएल की टीम की थोड़ा और डेट बढ़ाते। ऐसे में अब खबर निकल के आ रहा है नवंबर में नहीं, शायद दिसंबर में हो टाटा आईपीएल 25 का मेगा ऑक्शन, और जो कि दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में हो सकता है मेगा ऑक्शन। अब इस पर बीसीसीआई क्या फैसला लेता है, इस पर लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा बात करें अगली बड़ी अपडेट का, तो दोस्तों रियाद के लेकर है। जी हां दोस्तों, सऊदी अरबिया रियाद में होने वाला है मेगा ऑक्शन, यह कंफर्म हो चुका है। और यह पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है आईपीएल के सभी 10 टीमों से, वह तैयार है रियाद में मंच सजाने के लिए मेगा ऑक्शन के। वहीं बात करें पर्स मनी के बारे में, तो दोस्तों बता दें कि इस बार सबसे जो बड़ा पर्स मनी रहने वाला है पंजाब किंग्स के पास रहने वाला है। टोटल 110 करोड़ का पर्स मनी रहने वाला। ऐसे में कई बड़े खिलाड़ियों पर बोली लगाते हुए नजर आने वाली है पंजाब किंग्स। बता दें कि पंजाब किंग्स अपना पूरा मैनेजमेंट बदल दिया है, रिकी पोंटिंग नजर आने वाले हैं हेड कोच के तौर पर पंजाब किंग्स के साथ। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि थोड़ा बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेगी आने वाले साल में पंजाब किंग्स। इसके अलावा बता दें कि जो सबसे कम पर्स मनी है वह राजस्थान रॉयल्स के पास है। बता दें कि मात्र 41 करोड़ का पर्स मनी है राजस्थान रॉयल्स का। वैसे अपने वह 6 खिलाड़ी को रिटेन भी किए, तो वहीं बता दें कि ऋषभ पंत से भी बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। ऋषभ पंत इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि जो खबरें निकल के आ रही है कि पंजाब किंग्स उन्हें टारगेट करने वाली है। रिकी पोंटिंग के साथ पहले भी वह रह चुके हैं, जहां दिल्ली में थे, रिकी पोंटिंग हेड कोच और ऋषभ पंत कप्तान थे। ऐसे में जो खबरें निकल के आ रहा है कि रिकी पोंटिंग ऑल आउट जाने वाले हैं ऋषभ पंत के लिए। इसके अलावा भी चेन्नई सुपर किंग भी इंटरेस्टेड है, जो कि ऋषभ पंत में। इसी वजह से जो खबरें निकल के आ रही है कि ऋषभ पंत पर 35 से 40 करोड़ का बोली लग सकता है ऑक्शन में। वहीं बता दें केएल राहुल पर भी 25 करोड़ का बोली लग सकता है, ऐसा जो बड़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी अपडेट जो कि आईपीएल से जुड़ा होता है। आपका क्या राय है इसके लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।